मेरा नाम प्रिया दर्शनी है और मैं फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ फ्रॉम BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। सो जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक और बार अटेम्प्ट करना चाहते, तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। आप अपने डिसीजन पर डाउट मत करो। अगर आप डिसीजन ले चुके हो कि आपको करना है, देन आपको करना है। वॉट अदर्स थिंक कि आपको नहीं मैटर करना चाहिए। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप उस सीट पे बैठे होंगे, तो सब यही कहेंगे कि अच्छा डिसीजन था बेटा, आपका अच्छा डिसीजन था। अभी कोई सपोर्ट नहीं करता है, आपको उन पे ध्यान नहीं देना, जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आगे ये मेडिकल फील्ड में भी बहुत काम आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बट अभी आपको इतना आउट ऑफ द बॉक्स जाके पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना NCERT में सफिशियंट है उतना पढ़ो। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो आर यू एक्साइटेड? सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो ब्रीदिंग क्या होता है? अब ब्रीदिंग होता है हमारा बायो फिजिकल प्रोसेस। ओके, बायो फिजिकल प्रोसेस का मतलब है कि कोई केमिकल लेवल पे हम बात नहीं कर रहे, हम जस्ट फिजिकल लेवल पे बात कर रहे हैं। जस्ट एक्सचेंजेस होंगे गैसेस के, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं एंड CO2 रिलीज आउट कर रहे हैं। ब्रीदिंग इतना सा ही, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। NCERT में लिख रहा है कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इज कॉल्ड ब्रीदिंग, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये पार्शियली करेक्ट है, ये 100% करेक्ट नहीं है। रेस्पिरेशन के साथ हमें कुछ और वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं। सो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। वो बायोफिजिकल प्रोसेस था, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे हम केमिकल लेवल की बात करेंगे। केमिकल लेवल से मेरा क्या मतलब है? केमिकल लेवल से मेरा ये मतलब है कि वहाँ पे आपने ऑक्सीजन ली, आपने ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट कर दी, बस इतना सा ब्रीदिंग है। बट रेस्पिरेशन, आपने ऑक्सीजन ली है तो कहीं तो जाके यूज़ होगी ना। कहाँ यूज़ होगी? आपके सेल्स में जाएगी ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम के थ्रू। देन आपके सेल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनमें ऑक्सीडेशन कराएगा। ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीडेशन कराएगी। आप एक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन होगा, देन उस ऑक्सीडेशन से बॉन्ड्स टूटेंगे एंड बॉन्ड्स टूटने से एनर्जी रिलीज होगी। तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो तो हम यूज़ कर लेंगे अपने अदर प्रोसेसेस के लिए। एंड जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो अगेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जाएगी और हम उसे क्या कर देंगे? एक्सहेल कर देंगे, रिलीज आउट कर देंगे। तो ये है रेस्पिरेशन। सो एक तरीके से तुमने देखा, रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग तो आया, साथ में हमने क्या किया? यूटिलाइज भी किया उसको। वो कहाँ जाके यूज़, हमने वो भी पढ़ा। तो ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। तो फिर से देखते हैं, ब्रीदिंग क्या है? ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। क्या है ये? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया है सो लेट मी मेक इट मोर सिंपल। ठीक है, ओके, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, राइट? हमने ऑक्सीजन ली, ठीक है, एंड देन हमने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट कर दिया। अब ये डिपेंड करता है कि ये तो हमारा हो गया कि इस चीज़ को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को ये इतना हो गया हमारा ब्रीदिंग। ठीक है, ये तो हमारा ब्रीदिंग हो गया, बट वॉट इज़ रेस्पिरेशन, जो मैंने अभी समझाया? ठीक है, वो क्या होगा? ऑक्सीजन गई, मान लो यहाँ कोई सेल है तो यहाँ पे क्या होगा? ग्लूकोस होगा, ग्लूकोस होगा। ऑक्सीजन ने गई, ऑक्सीजन ने ऑक्सीडेशन कराया और रिलीज क्या हुआ? एनर्जी एंड CO2। अब इस CO2 जो है ट्रेवल करने के बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जाके वो रिलीज आउट हो गई। तो ये क्या हो गया? ये पूरा सिस्टम कहाँ आ गया हमारा? ये पूरा आ गया हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। देन इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसीलिए कहते हैं कि ब्रीदिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड देन रेस्पिरेशन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन प्लस इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, देन उसके बाद व्हाट आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं? वो डिपेंड करता है कि आपकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है और आपका हैबिटेट क्या है। ओके, सो हम टेरेस्ट्रियल हैं, हम लैंड पे रहते हैं। फिशेस जो होती हैं वो रहती हैं
वाटर में. सो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है. इतना तो सबको पता है ना कि फिशेज गिल्स से करती हैं, गिल्स से, एंड हम लंग्स से करते हैं. तो ये हो गया हमारा हैबिटेट. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, यस, जो छोटा सा ऑर्गेनिज्म है वो सिंपली डिफ्यूजन से रेस्पायर कर सकता है. बट जो जिनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, बड़े मतलब उनका साइज बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, तो उनके में एक अलग से सिस्टम होता है, उनके लिए उसी हिसाब से डेवलप करना पड़ता है. तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हैबिटेट पे डिपेंड करता है. अब हम सबसे बेसिक से बात करेंगे, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हमने पढ़ा है, ये एनिमल किंगडम में है सारा, तो वहाँ से देख लेना, इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन होता है, क्योंकि उनकी मोस्टली बॉडी क्या होती है, एक्सपोज टू एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग. सो वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं, देन CO2 रिलीज आउट कर देते हैं. अब इनके एग्जांपल्स, स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म्स, और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि सीलेंट्रेट वगैरह ना, इन प्रोटिस्टा, इन सब की जो एग्जांपल्स होंगे वो सब सिंपल डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन करते हैं, हमने पढ़ा भी है. तो उसके बाद आता है अर्थवॉर्म्स. अर्थवॉर्म्स कैसे करते हैं, वो भी स्मॉल होते हैं, बट उनका क्या है, कुछ कुछ जो होते हैं ना, एक अलग फिनोमेना होता है. तो ये मॉइस्ट क्यूटिकल से कर लेते हैं. किससे कर लेते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल से. अब ये मॉइस्ट क्यूटिकल क्या है, ये जो मॉइस्ट क्यूटिकल है, अर्थवॉर्म मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू रेस्पायर करेंगे, लेकिन आगे जाके वो भी डिफ्यूजन होता है उनमें भी. हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम जो कर रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे डेवलप्ड होते हैं, लेकिन हम सेल्युलर लेवल की बात करें तो वहाँ पे भी डिफ्यूजन से ही काम चलता है. तो इंसेक्ट्स, अब इंसेक्ट्स की बात करें तो इनमें नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है, क्योंकि इंसेक्ट्स क्या होते हैं, थोड़े और कॉम्प्लेक्स, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ लेवल बढ़ जाती है, तो उनके में एक अलग सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम. ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क. अब आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क में एक्वेटिक भी होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं. अब भैया जो एक्वेटिक में हैं उन वो गिल से करेंगे, एंड देन जो टेरेस्ट्रियल हैं वो किससे करेंगे, लंग से करेंगे. हाँ, इनका कॉम्प्लेक्स होता है, हम में भी लंग्स होते हैं, बट इनके लंग्स का डेवलपमेंट और हमारे लंग्स का डेवलपमेंट डिफरेंट होता है, वो थोड़े कम कॉम्प्लेक्स होते हैं, हमारे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं. अब बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की. वर्टिब्रेट्स तो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, नोटोकॉर्ड होता है, ये सब पढ़ा है सब एनिमल किंगडम में. अब सो वर्टिब्रेट्स में देखा जाए तो फिशेस, फिशेज जो हैं ऐसी जो प्रिमिटिव है, वर्टिब्रेट्स में प्रिमिटिव लेवल पे फिशेज ही हैं सर, तभी उसके बाद हमारा डेवलपमेंट हुआ है आगे. सो फिशेज जो हैं एक्वेटिक होती हैं, तो एक्वेटिक है तो ऑब्वियसली आप लंग्स से नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको गिल्स चाहिए. तो ये क्या होता है, इन फिशेज में गिल्स होते हैं. अगर हम बात रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स की करें, तो वही मैंने बोला ना कि अब क्या हो गया, अब जब आर्थ्रोपॉड्स एंड मोलस्क जो हैं वो लंग्स से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब लंग्स कॉम्प्लेक्स में आ गए. धीरे धीरे जब वो लंग्स से करें तो ऑब्वियसली ना आगे के जो और कॉम्प्लेक्स हैं वो भी लंग्स से करेंगे, लेकिन इनका लंग्स जो होंगे वो मोर डेवलप्ड होंगे, मोर कॉम्प्लेक्स होंगे. सो यहाँ पे क्लियरली मेंशनड है कि मैमल्स हैव अ वेरी डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो डेवलपमेंट का लेवल कॉम्प्लेक्सिटी लेवल के साथ बढ़ता रहता है. अब हम जो है आगे का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सैचुरेशन हो जाएगा और नहीं समझ आएगा. पढ़ते रहो आगे, नेक्स्ट के जो होंगे 15 मिनट के लेक्चर होगा, उसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से समझेंगे. होपफुली आई थिंक आपको समझ आया होगा. अब हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना. ब्रीदिंग क्या होता है, बायोफिजिकल फिनोमिना होता है, बायोफिजिकल प्रोसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एंड ये किस क्या है, इसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं. और रेस्पिरेशन की बात करें तो ये क्या है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से. देन नेक्स्ट आता है हमारा, ये हमने समझने के लिए किया था कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, देन सेलुलर लेवल पे जाके एनर्जी रिलीज होती है. सो वहाँ पे एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, देन वो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल आउट कर देते हैं. देन उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे होंगे ये डिपेंड करेगा कि आपका हैबिटेट कैसा है और आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है. अब आपका हैबिटेट एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, है ना. और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिर हम देखना, हम स्मॉल लेवल से हाई लेवल पर जाएंगे. सबसे सिंपल क्या है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल्स की बात हो रही है, तो वहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन से काम चल रहा है. इसके एग्जांपल्स याद कर लो, सारे जो एग्जांपल्स मैंने इसमें दिए हैं अभी याद करो, मेरे सामने अभी याद करो. लोअर इन्वर्टिब्रेट्स सिंपल डिफ्यूजन, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स सिंपल डिफ्यूजन. ये तो मैंने समझा है ना, क्यों इतना मुश्किल लगेगा फिर.
अब लो इन्वर्टिब्रेट्स में क्या था, प्रोटिस्टा, सीलेंट ट्रेट्स, ये सब देखे थे हमने, तो स्पंजेस एंड सीलेंट ट्रेट्स, देन उसके बाद एंड फ्लैट वर्म्स है ना, ये सब हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम में। अर्थ वर्म्स मॉइस्ट क्यूटिकल से रहते हैं, अलग से ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट एमसीक्यू में। अब इंसेक्ट्स ट्यूब सिस्टम से ट्रैकियल सिस्टम जिसे बोलते हैं। आर्थ्रोपोड्स मोलस्क, इसमें हमने एग्जांपल्स पढ़े थे कि एक्वाटिक भी होते हैं एंड टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। जो एक्वाटिक हैं तो उनके लिए तो अलग चाहिए ना, तो गिल्स, एंड टेरेस्ट्रियल के लिए लंग्स। लंग्स जो होते हैं डेवलप्ड होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का मोस्ट डेवलप्ड लंग्स है। अब उसके बाद अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो लंग्स का डेवलपमेंट होगा, लंग अलग अलग मोस्ट डेवलप्ड होते रहेंगे। अब वर्टिब्रेट्स की बात करें, वर्टिब्रेट्स में प्रिमिटिव फिशेज होती हैं, वो पानी में रहती हैं तो गिल्स से कटते हैं। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स की बात करें और मैमल्स की बात करें तो हम लंग्स से कटते हैं। एम्फीबियंस की बात करें, वो लंग्स से तो कटते हैं बट उनमें स्किन से, और वो जो है फ्रॉक्स वगैरह जो होते हैं ना, वो स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट याद करना है, ध्यान में रखना है। देन मैमल्स, ये तो पता ही रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेक्स्ट सेशन में जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे डिस्कशन करेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग, आप कर सकते हो, कौन क्या कह रहा है डिपेंड नहीं करना है। रोज़ अपने को मोटिवेटेड रखो, नीट की प्रिपरेशन करो, हो जाएगा, डोंट वरी, बस आप मेहनत करते रहो, मेहनत करो, रिजल्ट तो आपको मिलेगा। ओके।